हाथरस में मंगलवार 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वह भयावह था। मौत की तरफ दौड़ लगाते लोग और पूरी घटना में मूक दर्शक बने आयोजक। ऐसा लगा जैसे दौड़ती मौतों पर काबू का कोई इंतजाम ही न किया गया हो। आयोजक के तौर पर इस घटना का मुख्य जिम्मेवार देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया। दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक इसके बाद जिस व्यक्ति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वह सामने आ गया। स्क्रिप्ट बनी बनाई लगती है। मीडिया के सामने आए सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरी, भोले बाबा ने खूब दुखी होने की बात कही। चेहरे पर दुख का भाव लाने की कोशिश भी की लेकिन असफल दिखे। आइए आपको उनके बयान का एक एक शब्द बताते हैं। नारायण साकार विश्व हरि की जय जयकार के साथ भोले बाबा ने कहा कि मुझे इस घटना से काफी दुख पहुंचा है। मैं 2 जुलाई की घटना से बहुत व्यथित हूं। प्रभु हमें और संगत को इस दुख की घड़ी में उबरने की शक्ति दे। जो भी उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन इस व्यथा को सामने आने में 5 दिन लग गए। मामला कुछ ठंडा होता दिखा तो बाबा मीडिया के सामने आकर अपने बचाव में बातें करते दिख रहे हैं। वह सीधे तौर पर अपने भक्तों के जरिए पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का आश्वासन देते भी दिखाई देते हैं। इस मामले में सरकार और प्रशासन की जांच पर भी भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर दर्ज कराए गए पहले FIR में सूरजपाल और भोले बाबा का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। भोले बाबा अपने प्रवचनों में मानव सेवा और मानव कल्याण की बात करता है। इसके अलावा वह लोगों को मानवता का संदेश देते हुए एक दूसरे के दुखों में साझीदार बनने की बात करता है। पखंड पर हमला करते हुए मानवता को ही सबसे बड़ा भगवान बताने की बात करता है। लेकिन जब उसके ही सत्संग कार्यक्रम में 123 लोगों की मौत हो गई और मानवता की मिसाल पेश करनी थी तो वह गायब हो गया। उस दुखद हादसे के बाद पीड़ितों का दर्द बढ़ाने की जगह अंडरग्राउंड हो गया। भोले बाबा गायब हो गया। जब कैमरे के सामने आया तो खुद के बचाव में ही बात कही। मौतों पर केवल दुख जताकर उसने इस भयावह घटना से पल्ला छुड़ाने की कोशिश की।